हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जहां पर एक स्ट्रक्चर बताया जाता है और उससे हज़ारों सेंटेंस बनाने के तरीके बताए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप रोज़ एक स्ट्रक्चर सीखो, फिर उसे बहुत सारे सेंटेंसेज आप प्रैक्टिस करके रोज़ प्रैक्टिस करोगे, फिर वो स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके दिमाग में जहन में बैठ जाएगा इस तरह से कि उससे संबंधित जो भी सेंटेंस आएंगे आपके दिमाग में वो अपने आप इंग्लिश में निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के इंग्लिश अनुवाद। तो ये रहा, अगर आपने बनाया है तो आप इसे मैच कर लीजिए, जहाँ पर भी गलतियाँ हैं वहाँ पर आप सुधार लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द यूज ऑफ शुड मस्ट इन पास्ट। पास्ट में शुड और मस्ट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। अभी तक इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि शुड और मस्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाऊंगा कि उसमें अगर पास्ट वाले सेंटेंस हो तो फिर हम उसको कैसे बनाते हैं। जैसे कि अगर प्रेजेंट में है कि आपको जाना चाहिए तो यू शुड गो, आपको जाना चाहिए था ये पास्ट हो जाएगा, आपको जाना चाहिए था तो फिर हम इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, एक सेंटेंस है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई पास्ट। अगर इसमें होता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, ये हो गया प्रेजेंट, मीन्स यू शुड हेल्प हिम। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जब थी आता है तो उसमें शुड या मस्ट के साथ हैव और वी थ्री यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, जैसे तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, You should have, फिर उसके बाद help लिखेंगे और verb का तीसरा form helped him। अभी दूसरा sentence है, उसे bike ज़रूर खरीद लेना चाहिए था, तो ये इसमें ज़रूर आ रहा है, तो ज़रूर के लिए हम must लगाते हैं। He must have bought, यानी बाइक का थर्ड फॉर्म BOUGHT, बाइक का थर्ड फॉर्म बाउट होता है, तो बाउट लिखेंगे। ही मस्ट हैव बाउट बाइक, उसे बाइक ज़रूर खरीद लेनी चाहिए थी या खरीद लेना चाहिए था। फ्रेंड्स, मैं इसके इस सेंटेंस के बारे में एक और बात बोलना चाहूँगा आपको कि इस तरह के सेंटेंसेस जब यूज़ होते हैं तो इसका अर्थ कुछ और भी होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि उसने ज़रूर बाइक खरीद ली होगी तो ही मस्ट हैव बाउट बाइक, आप समझ रहे ना, उसे बाइक ज़रूर खरीद लेना चाहिए था, तो इसको भी हम ऐसे ही बोलेंगे, ही मस्ट हैव बाउट बाइक। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि उसने बाइक ज़रूर खरीद ली होगी तो भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ही मस्ट हैव बाउट बाइक। ओके, और तीसरा तरीका क्या है कि जैसे मैंने बोला कि आप ज़रूर अपना खाना यानी लंच 1 बजे लेते होंगे, तो यू मस्ट हैव टेकन योर लंच एट 1 PM, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो बातचीत के दरमियान हमें समझ में आ जाता है कि जो सामने वाला बोल रहा है उसका मतलब क्या होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हम तीनों में से क्या समझेंगे। जैसे कि इसका हम बोलते हैं ही मस्ट हैव बाउट बाइक, उसे बाइक खरीद लेना चाहिए था, इसका मतलब ये भी होता है कि उसने बाइक ज़रूर खरीद ली होगी, और इसका मतलब ये भी होगा कि आप ज़रूर बाइक खरीदते होंगे। मतलब तीन अर्थ निकलता है, सेंटेंस एक ही होता है, बट बातचीत करने के दरमियान हमें खुद समझना पड़ता है कि ये किस अर्थ के लिए बोला जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, वैसे ज़्यादातर मोस्टली ज़्यादातर शुड का इस्तेमाल पास्ट में ही करते हैं ताकि लोग कन्फ्यूज ना हो जाए। जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ज़्यादातर यही होता है कि उसने ज़रूर कर लिया होगा, यानी कि जैसे वे ज़रूर मुंबई पहुंच गए होंगे तो दे मस्ट हैव रीच्ड मुंबई, ऐसा। और इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि उन लोगों को मुंबई ज़रूर पहुँचना चाहिए था, तो दे मस्ट हैव रीच्ड मुंबई, दोनों का अर्थ एक ही होता है। आप कन्फ्यूज मत होना, जहाँ पर जैसा इस्तेमाल करना होगा वैसा कर लेना। ओके फ्रेंड्स,
अगर इसका नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में मैंने हमेशा आपको बताया है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो यू शुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम, ओके, तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। अगर इसका इंट्रोगेटिव होगा तो क्या तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, शुड यू हैव हेल्प्ड हिम। अगर इसका क्वेश्चन वर्ड होगा कि तुम्हें उसकी मदद कब करनी चाहिए थी, व्हेन शुड यू हैव हेल्प्ड हिम, ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से होगा। हम अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तुम्हें कल मेरे घर आना चाहिए था, यू शुड हैव कम टू माई हाउस यस्टरडे। तुम्हें उस कुत्ते को नहीं मारना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव किल्ड दैट डॉग। आपको उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे, यू शुड नॉट हैव गिवन हिम मनी। उसने ज़रूर मैच जीत लिया होगा, ही मस्ट हैव won the match। आपको मैच खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड मैच। आपको दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था, यू शुडंट हैव ओपन्ड द डोर। आपको कुर्सियाँ खरीदनी चाहिए थी, यू शुड हैव बाउट चेयर्स। मुझे क्या करना चाहिए था, वॉट शुड आई हैव डन। आप लोगों को कहाँ जाना चाहिए था, वेयर शुड यू हैव गोन। उसे कब मेरे पास आना चाहिए था, व्हेन शुड ही हैव कम टू मी। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, शुड आई हैव टॉक टू हिम। क्या उसे डॉक्टर से नहीं मिलना चाहिए था, शुड ही नॉट हैव मेट डॉक्टर। क्या मुझे दूध नहीं पीना चाहिए था, शुडंट आई हैव ड्रंक मिल्क। क्या तुम्हारे भाई को स्कूल नहीं जाना चाहिए था, शुड योर ब्रदर नॉट हैव गोन टू स्कूल। उसे बुक ज़रूर खरीदनी चाहिए थी, ही मस्ट हैव बाउट बुक। आपको मेरे पास ज़रूर आना चाहिए था, यू मस्ट हैव कम टू मी। तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए था, यू शुडंट हैव क्वारल्ड। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी सेंटेंस क्रिएट कीजिए, फिर उसका प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश में बनाकर, बहुत ही अच्छा वे है। आप इस तरह से आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ एक स्ट्रक्चर लीजिए एक दिन में कि एक ही चीज़ सीखना है मुझे। आप कम समय में ज़्यादा सीखने की कोशिश मत कीजिए, ये लैंग्वेज है, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, और हमें माहौल भी नहीं मिलता, एटमॉस्फेयर भी ऐसा नहीं मिलता है कि हम एटमॉस्फेयर से सुन के सीख लें, ओके फ्रेंड्स। इसलिए हमें ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, और ये रास्ता बहुत ही कारगर है। मैंने अभी तक सैकड़ों लोगों को इस वे से इंग्लिश सिखाया है, आज वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोलते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये रहा सेंटेंसेस होमवर्क के लिए। आप इन सेंटेंसेस को लिख लीजिए, बना लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में जो मैं इसका ट्रांसलेशन बताता हूँ इंग्लिश अनुवाद, उसे आप मैच भी करते रहिए, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ओके फ्रेंड्स। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।